हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी कुर्ती की स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम गले से स्टार्ट करते हैं। हम किसी पत्ती काट के इस तरीके से गले में पाइपिंग कर देंगे मोड़ के, और उसे दबा दबा के हम स्टिच करेंगे। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे पाइपिंग किया। पाइपिंग हो जाने के बाद अब इसके शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। सीधे के ऊपर उल्टा रख के डबल स्टिचिंग करके हम इसे जोड़ लेंगे शोल्डर को। अब इसके बाद मैं इसे खोल दूंगी और स्लीव को बीचों बीच रखते हुए शोल्डर के यहाँ से स्टिचिंग करते जाऊंगी। बीच से स्टिचिंग करने से क्या होता है, दोनों साइड इक्वली पार्ट में स्टिचिंग होती है। अगर हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा स्टिचिंग हो जाता है। और हाँ, इसे डबल स्टिच ज़रूर कर दें ताकि स्टिचिंग मजबूत हो। इस तरीके से हम दूसरे स्लीव को भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब ये रेडी है। अब इसके बाद हम बुकरम लेंगे, पेस्टिंग बुकरम है। मैं यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ हाफ मून के जैसा। यहाँ पे मैं 3 पैटर्न कट कर लूँगी और गाजरी कलर की फैब्रिक में इसे पेस्ट कर दूँगी आयरन की मदद से। देखिए अब इसे मार्जिन लेते हुए कट कर दूंगी बिल्कुल इस तरीके से। अब इसके बाद हम अपने कुर्ती के नीचे की तरफ पाइपिंग करेंगे। देखिए मैंने सामने की तरफ, कुर्ती के सामने की तरफ 5 इंच करके मैंने कट कर लिया था लेंथ को, वो इसलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। मैं अपने कुर्ती के सामने और पीछे दोनों के नीचे की ओर पाइपिंग कर दूंगी इस तरीके से। इसे मोड़ लीजिए हाफ करके, फिर ऐसे, और इसे धीरे धीरे आप पाइपिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग कर लिया। अब हम प्लेन कपड़ा लेंगे और इसे 5 इंच मेजरमेंट कर लेंगे। लेंथ की तरफ, ठीक है, और कुर्ती को हाफ फोल्ड करके मार्क लगा देंगे। मैं सिर्फ इस पैटर्न को हाफ ही ज्वाइन करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ निशान लगाया अपना कुर्ती को चौक की मदद से। इस तरीके से इसे मैं ज्वाइन करूंगी, तो मैंने इसे निशान लगा लिया। अब कैंची की मदद से इसे कट कर लूंगी। देखिए फिर से आप नाप लीजिए, अगर छोटा होगा
तो आप और अच्छे से नाप के दूसरा पीस ले लीजिए। अब इसके नीचे की तरफ मैं पाइपिंग लगा दूंगी और इस साइड भी पाइपिंग कर दूंगी। केवल हम यहाँ पे दो साइड पाइपिंग करेंगे क्योंकि स्लिट की तरफ हम इसे सिंपली मोड़ेंगे, इसीलिए हम सिर्फ दो साइड ही पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से मोड़ते हुए पाइपिंग कर दीजिए। देखिए इस तरीके से। स्लिट की एरिया में हम पाइपिंग नहीं डालेंगे और इसे मोड़ते हुए हम फिर से पाइपिंग कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और अंदर की तरफ एक बार डाल के इसके वो इंटरलॉक कर देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मार्क लगाऊंगी। देखिए टेप ले लीजिए और 5 इंच या फिर 4.5 इंच पर मार्क लगाते हुए यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट भी ले लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो टोटल मेरा 5 इंच हो गया। अब इसे कैंची की मदद से कट कर देंगे। अब इस पार्ट को हम कुर्ती के एक साइड अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से नाप लेते हुए हाफ हाफ एरिया में ही स्टिचिंग करेंगे। ब्लू धागा ले लीजिए मशीन में और थोड़ा सा लॉक करते हुए सिलाई को स्टिचिंग को स्टार्ट कर दीजिए लाइन के ऊपर लेते हुए इस तरीके से। अब ये जो पैटर्न मैंने रेडी किया था तो गाजरी कलर के फैब्रिक में मैं बॉक्स जैसा ले लूँगी और इसे स्टिच कर लूँगी और कट लगाते हुए इसे पलट के फिर से स्टिच कर लूँगी इस तरीके से हाफ मार्जिन लेते हुए। अब मैं यहाँ पे हाफ हाफ इंच छोड़ छोड़ के इस पैटर्न को अटैच करूँगी। पहले मैं यहाँ पे 3 पैटर्न को स्टिच कर लेती हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद 1.5 इंच छोड़कर यहाँ पे मैं इस पैटर्न को बीच में लगाऊंगी मैं और हाफ इंच का गेप दूंगी। देखिए इस तरीके से हाफ हाफ इंच छोड़ छोड़ के यहाँ पे इस पैटर्न को स्टिच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने कैसे इसे डिज़ाइन किया है। इसके ऊपर से मैंने दूसरी स्टिचिंग भी लगा दी लगभग आधा सेंटीमीटर छोड़ते हुए। तो नीचे का डिज़ाइन मेरा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके कुर्ती को भी स्टिच कर देंगे। सामने का नेक भी स्टिच कर देंगे। मैंने सामने का नेक फ्रंट का नहीं स्टिच किया था तो सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से।
देखिए ये स्टिचिंग होने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका डिज़ाइन इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क लगा लेंगे। देखिए मेरा चेस्ट मैंने मार्क लगाया है 19 पे, 18.5 पे, 18 पे और 17.5 पे और 19.5 पे, ठीक है। चेस्ट है मेरा 19, सेकेंड चेस्ट है 18.5, थर्ड चेस्ट है 18, वेस्ट है 17.5 और हिप है 19.5। और मैंने अपने स्लीव पर 5.5 पे मार्क लगाया है। सारे निशान को मिलाते हुए मैंने इसे इस तरीके से मार्क लगा दिया कर्व स्केल की मदद से। अब इसके बाद मार्क के अकॉर्डिंग हम इसे स्टिच कर देंगे इंटरलॉक करते हुए। अब जस्ट इसको घुमा दीजिए और उसी के ऊपर एक और स्टिचिंग कर दीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड भी स्टिच कर देंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसकी स्टिचिंग और कटिंग भी दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा और अनइवन पार्ट है उसे कैंची की मदद से मैंने ट्रिम कर दिया और बीच बीच में इस तरीके से मैंने कट लगा दिया ताकि जब आप फोल्ड करें और जब आप प्रेस करें तो ये अच्छे से फोल्ड हो, कोई इसमें बंचेस ना आए। अब मैं इसके स्लिट को भी फोल्ड करके क्या करूँगी, स्टिच कर दूँगी इस तरीके से, एक फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड करके इंटरलॉक करते हुए हम इसके स्लिट को भी क्या कर देंगे, स्टिचिंग कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। धीरे धीरे फोल्ड करते जाइए और जैसे ही यहाँ कॉर्नर आता है अपने मशीन को ऊपर उठा लीजिए और इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे आप स्टिच कर दीजिए। और हाँ, इंटरलॉक ज़रूर करिएगा लास्ट में इस तरीके से। तो दोस्तों दूसरी तरफ भी हम फोल्ड कर लेंगे। ध्यान से फोल्ड करिएगा क्योंकि हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो थोड़ा सा हैवी है, तो आप थोड़ा सा सावधानी के साथ आराम से स्टिच करिएगा। इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए दूसरी साइड भी। तो लीजिए दोस्तों, मेरी कुर्ती स्टिच होके रेडी है। तो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। तो अगर आपको मेरी इस कुर्ती की स्टिचिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।